जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज जो है भारत मंत्रालय ने बड़ी घोषणाएं की हैं, जहां दोस्तों 1,70,000 करोड़ का यहां पर फंड देगी सरकार, जो यहां पर महामारी है उसके लिए। और इसके अलावा किन के लिए यहां पर सरकार डायरेक्टली 2,000 रुपए यहां पर देगी, गैस सिलेंडर फ्री देगी, 3 महीने 5 किलो गेहूं चावल, इसके अलावा कई और यहां पर सरकार यहां पर देने वाली है, कई बड़े यहां पर ऑफर दे रही है। तो 21 दिन की जंग है, लेकिन 3 महीने की तैयारी आखिर सरकार क्यों कर रही है? क्या आने वाला जो समय है बेहद ही मुश्किल भरा होने वाला है? इसके लिए सरकार ने अभी से ही इसकी तैयारियां कर ली हैं और उसके लिए बड़े ऐलान भी किए हैं, जिनमें अगर बात करें तो जिनके पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर प्रोवाइड हुए हैं, उनके लिए 3 महीने तक फ्री ऑफ सिलेंडर यहाँ पर भरा सकते हैं। ये बड़ी खबर सरकार की तरफ से 1,70,000 का यहाँ पर जो है पैकेज दिया है। इसके अलावा 15,000 करोड़ का पहले भी सरकार पैकेज यहाँ पर महामारी के दौरान दे चुकी है। दूसरा बड़ा ऐलान, जनधन खाता धारक महिलाओं के खाते में 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से यहाँ पर पैसा सरकार डालने वाली है। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा यहाँ पर फैसला लिया है वो है 80,000 करोड़ गरीबों के लिए 3 महीने तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त देगी सरकार। ये सरकार की तरफ से बड़ा पैकेज गरीबों के लिए दिया जाएगा। तो सवाल ये फिर उठता है, आखिर 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन सरकार 3 महीने की अभी से तैयारी क्यों कर रही है? इसके अलावा कुछ और बड़े फैसले हैं, जिनमें अगर बात करें तो 8,70,00,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए अप्रैल के पहले हफ्ते में आ जाएंगे, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा यहाँ पर मनरेगा के मजदूरों के लिए जो है उनकी यहाँ पर अगर बात करें तो 182 की जगह अब उनको 202 रुपए तिहाड़ी जो है उनको मिलने वाली है। जो काम नहीं कर पा रहे लोग घर पर है, उनके लिए सरकार जो है अब उनकी वेतन जो नहीं कटेगी उनको यहाँ पर पेमेंट जल्द से जल्द मिलेगी, ऐसी सरकार यहाँ पर जो है योजना बना रही है। इसके अलावा 3 करोड़ बुजुर्गों, गरीब, विधवा, विकलांगों के लिए 1,000 ज्यादा पेंशन देने का यहाँ पर पैकेज सरकार ने दिया है। इसके अलावा छोटी कंपनियों के जो कर्मियों के लिए यहाँ पर ईपीएफ खाते में 3 महीने तक पैसे डालेगी सरकार, ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा अगर बात करें स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए 10,00,000 की जगह 20,00,000 रुपए सरकार का बड़ा ऐलान किया है। तो ये कुछ महामारी के दौरान सरकार ने किसानों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं या यहाँ पर जनधन खाता है किसानों के लिए हर तरह के लोगों को यहाँ पर सेवा यहाँ पर देने की बात रखी। इसके अलावा कई ऐसे जो गरीब हैं जिन पर भोजन की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए सरकार यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी कर रही है। इसके अलावा कोरोना का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का अब 50,00,000 का बीमा सरकार की तरफ से यहाँ पर पैकेज में शामिल किया है। तो सरकार की तरफ से 10 बड़े ऐलान यहाँ पर किए हैं सरकार ने। और इसके साथ ही सरकार ने एक विनती आपसे की है कि आप घर पर ही रहें, घर पर ही रहें और घर पर ही रहकर ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। इसको लेकर ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही थी।